नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म सन की डिज़ाइनर पे। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा, प्रयास है कि आपको एम्पावर करूं आपके जो पेट्रोल पंप सेटिंग के प्रोसेस में जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, आपकी नॉन क्लियरिटी है और आपका उसमें जो लैग करता है जो कंपोनेंट, उसको पूरी करने की कोशिश करूं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं। हमारी टीम का पूरा प्रयास है कि आपकी एक एक क्वेरी को इंडिविजुअल बेसिस पे अटेंड किया जाए और मुझे उम्मीद है कि अगर आप उस सिस्टम को कॉपी कैट कर लेंगे और प्रिसाइजली और क्रिस्पली अगर आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो पाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो पाती तो प्लीज़ आप हमें उस पर जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए और रश को देखते हुए हमने एक नया टेलीग्राम का एक चैनल बना दिया है जिस पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं और हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक प्रॉब्लम्स को, एक एक इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए अप टू योर सेटिस्फेक्शन। बट आपकी क्वेरीज बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए सो दैट कि हम उसका क्लियरिटी में जवाब दे सकें। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि सक्सेसफुल पेट्रोल पम्प चलाने का मॉडल क्या है। ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। कुछ लोग की क्वेरीज आई हैं कि 2-3 साल से पेट्रोल पंप तो ले लिया बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, दे आर नॉट एबल टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस आर हायर देन द रिकरिंग इनकम, तो ऐसा क्यों है। तो इसमें दोस्तों मैं 2-3-4 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि आपको अपनी सर्विसेज को देखना है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है पेट्रोल पंप की, ट्रैफिक है वहाँ पे, कंपिटिटर्स आपके होंगे हार्डली मैटर्स। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और आपके मन में सर्विस की भावना है और आपके जो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक स्माइलिंग फेस के साथ विद द फीलिंग ऑफ सर्विंग अगर वो अटेंड करते हैं, हर एक फ्यूलिंग को करते हैं, फ्यूलिंग विद ए स्माइल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है तो मुझे लगता है। और आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका वो चीज़ें अगर आपके स्टेबलाइज हैं और आप इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम्स लाते हैं, लोगों की पब्लिसिटी करते हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप आ रहे हैं, मैं इस पर ज़रूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और केस स्टडी के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे घाटे के पेट्रोल पंप को एक बहुत ही मार्जिन के प्रॉफिट में लाया जा सकता है। इस पर केस स्टडी हमारी टीम तैयार कर रही है, मैं उसके साथ आऊँगा। दूसरी चीज़, जब आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं, ज़्यादातर NOCs पे इतना सब वीडियोज़ डालने के बाद भी आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। 4 तरह की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो नीरेस्ट रोड इंटरसेक्शंस की, मैंने आपको बता दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो 26 जून 2020 के जो नॉर्म्स हैं, रिवाइज नॉर्म्स हैं, उसमें रोड्स की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। मैंने उस वीडियो का लिंक इसमें डाला है, प्लीज़ आप देख लीजिए व्हाट इज़ रोड। फिर भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, उसकी 3 मीटर की मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। 3 तरह की रोडों को रोड माना गया है, या तो पेवर्ड हो, या कंक्रीटाइज्ड हो, या ब्लैक टॉप्ड हो, ब्यूटेमिनस हो, और उसकी 300 मीटर की लेंथ हो। अगर ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तभी रोड मानी जाएगी। कच्ची रोड्स को उसमें से हटा दिया गया है, खड़ंजा रोड्स को उसमें से हटा दिया गया है। अगर आपकी सीमेंट कंक्रीट की रोड है, केवल 50 मीटर अंदर गई है, 100 मीटर अंदर गई है किसी प्रॉपर्टी को कैटर करने के लिए, उसको भी रोड नहीं माना जाएगा। तो आपका जो अगर पेट्रोल पंप अगर आप रूरल एरिया में सेटअप कर रहे हैं तो 300 मीटर तक देखिए इस तरह की रोड ना हो ऑन द बोथ साइड टूवर्ड्स यूअर साइड। अगर अनडिवाइडेड है तो दोनों तरफ, अगर डिवाइडेड है तो आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो इस तरह की रोड 100 मीटर के अंदर नहीं आनी चाहिए, जो मैंने आपको डिफाइन किया, या आप और वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है। अगर इस तरह की रोड्स आपके आ रही हैं तो आपका मैटर क्लोज नहीं हुआ है, यानी कि नॉन कंप्लायंस हो गई, उसको कंप्लायंस करने के लिए आप एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करिए, पेट्रोल पंप को सर्विस रोड पे ले जाइए, या कुछ इस तरीके से आप उसको डिज़ाइन करिए कि आप डायरेक्ट एक्सेस ना लें और इंटरसेक्शंस को 300 और 100 मीटर के नॉर्म्स को मीट कर लें। एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल विद इकोनॉमिकल इफिशियंट डिज़ाइन। तो मुझे लगता है इंटरसेक्शंस के रोड की क्वेरी आपके रिजॉल्व हुई। सेकेंड जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है टोल टैक्स एंड जो चेक बैरियर्स हैं उनकी बात आ रही है। उसका नॉर्म 1000 मीटर का है, 1000 के मीटर अगर आपका टोल टैक्स चेक बैरियर किसी भी तरह का है, चेक बैरियर में आपके रेलवे क्रॉसिंग्स भी आते हैं और फॉरेस्ट के जो चेक बैरियर्स हैं, जो मिनरल के चेक बैरियर्स हैं, कई स्टेट्स में होते हैं, कई लोकेशंस पे होते हैं, वो भी उसमें आते हैं। वो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर नहीं होने चाहिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम कैरेज वे पे नहीं होनी चाहिए। अगर वो चेक बैरियर सर्विस रोड पे है तो वो चेक बैरियर आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता, वहाँ पर कंप्लायंस आपकी हो रही है। या आपका पेट्रोल पंप सर्विस रोड पे है और वो चेक बैरियर मेन कैरेज वे है तो देन दिस कंप्लायंस इज देयर, इट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग योर कंप्लायंस। आपको मुझे लगता है सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो बेसिकली क्वेरीज आ रही है वो अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया इसमें विलेज की पॉपुलेशंस को नहीं लेना है। NHAI वाले कई अधिकारियों को इसमें कन्फ्यूज़न है, वो ब्लैक एंड वाइट में भी लिख के दे रहे हैं कि विलेज की पॉपुलेशन, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आप इसमें एम्पावर्ड हो जाइए। ये जो हमारी गाइडलाइन है वो कहती है कि जिस कस्बे से वो रोड निकल रही है वहाँ की पॉपुलेशन जो है 20,000 या अबव होनी चाहिए लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से। पहले ये क्राइटेरिया था, दो तरह की पॉपुलेशन दी थी, अप टू 20,000 एंड 20,000 टू वन से 1,00,000 उसके ऊपर की दी थी एंड देन 1,00,000 अबव की दी थी, बट अब उसको क्लियर करके 20,000 एंड अबव कर दिया है। जहाँ पे अर्बनाइज सेटलमेंट हो रहे हैं, जैसे कोई गांव है वो अर्बनाइज्ड हो गया, आसपास सारा एरिया अर्बनाइज्ड हो गया, वहाँ पर ADA लेन नहीं बनाए जा सकते, और उसकी अगर पॉपुलेशन कई विलेजेस की मिला करके कस्बे या तहसील की पॉपुलेशन अगर 20,000 के ऊपर हो जाती है, अर्बनाइज्ड एरिया है, लग रहा है कि बहुत सारे सेटलमेंट आसपास आ गए हैं, तो उसको आप अर्बन एरिया दिखा सकते हैं, बशर्ते आपको गाइडलाइन के हिसाब से एक तहसील से या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। पॉपुलेशन और आपकी लोकेशंस के बारे में क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि पॉपुलेशन यहाँ की इतनी है और ये अर्बन एरिया है या सेमी अर्बनाइज्ड एरिया या सेटलमेंट्स बन गए हैं। वो अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप नहीं लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, वो फाइल आपकी रिटर्न हो जाएगी, बिकॉज हमारे नॉर्म्स का मैंडेटरी पार्ट है। कई शहरों में पेट्रोल पंप आ रहे हैं, नगर निगम लिमिट के अंदर हैं, तो वहाँ पर नगर निगम में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो आपको लेटर इशू कर सकती है। ये छोटी छोटी स्क्वेरीज हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रही हैं, मैंने सोचा इस वीडियो में उस पर फोकस करूँ और आपको उसके बारे में बता दूँ। एक जो और इंक्वायरी आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे सामने जो है क्रश बैरियर लगा हुआ है नेशनल हाईवे का, क्या वो हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा, जब आपको NOC मिल जाएगी तो आपको एक्सेस परमिशन मिल गई, इनफैक्ट ये आपकी जिम्मेदारी, ये NHAI की जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। आप उनको लिख करके दीजिए कि हमारे सामने के बैरियर्स को हटाइए, हमें एक्सेस दीजिए, हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें, सॉइल फिलिंग अपनी जो है बाउंड्री डिमार्केट करें और अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें, टैंक्स का इंस्टॉलेशन करें, मशीन्स का इंस्टॉलेशन करें, ड्राइवे बनाएं, पेट्रोल पंप को बनाएं, उसकी RVI करें और एक अच्छा स्टैटिक्स के साथ हम अपने पेट्रोल पंप को स्टार्ट करें। तो ये 4-5 क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही, तो मैंने सोचा मैं इनको हाईलाइट करूँ उस वीडियो में और आपको एक्सप्लेन करूँ कि इसमें बेसिकली क्रक्स क्या है। आप फोकस करिए पॉसिबिलिटी माइंड के साथ उन प्रॉब्लम्स को जिन्हें आप फेस कर रहे हैं, आप दूसरी प्रॉब्लम्स को फोकस मत करिए, क्योंकि फोकस करेंगे तभी उस प्रॉब्लम में से उसका हल निकलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर आइए, कमेंट करिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आपको जो है इसमें इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक प्रॉब्लम को अटेंड करने का पूरा प्रयास रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप एम्पावर्ड हो रहे होंगे, कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे और एक टारगेट के साथ आप मूव करेंगे आगे कि आपको आगे कैसे मूव करना है। और एक वीडियो मैं बनाऊँगा कि पूरा प्रोसेस पेट्रोल पम्प की सेटलिंग में या CNG स्टेशन या फ्यूल स्टेशन की सेटलिंग में पूरा प्रोसेस क्या होता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आप इस पर वीडियो बनाइए, उस प्रोसेस की हम बात करेंगे। उम्मीद है हमारी टीम उस वीडियो पे काम कर रही है। किसी भी वीडियो को दोस्तों बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेरी या विम्सिकल इन्फॉर्मेशन डाल दी गई, इट हैज़ टू बी करेक्ट, क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, बहुत सारे कंप्लायंस की बात आ रही है। हमारा चैनल जो है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, रूल्स रेगुलेशंस पेट्रोलियम एक्ट की सही जानकारी देना चाहता है, पैसों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। एक्सेस परमिशन लगता तो है बहुत हल्का काम है, लेकिन बहुत हल्का काम नहीं है, इट नीड्स सम टेक्निकलिटीज़ और आपको उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी दो वीडियो पर हमारी टीम काम कर रही है, एक तो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल किसी पेट्रोल पम्प का क्या हो सकता है और दूसरा कि किस तरीके से प्रोसेस को हम अडॉप्ट किया जाता है जब भी हम किसी फ्यूल स्टेशन को सेटअप करते हैं। तो आप ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब रहिए, एनर्जेटिक रहिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग दिस चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोग को ज़रूर शेयर करिए जो आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि NOC कैसे लेनी है, कैसे किसी पेट्रोलियम कंपनी को अप्रोच करना है या CNG स्टेशन कैसे लगाना है। अब हम आगे, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम LNG की बात करेंगे, LNG बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है, वो में पेट्रोल पंप्स भी देखने को मिलेंगे। पेट्रोल पंप एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जिसे मैं यहाँ बोल गया, बट इट्स ए बेसिकली फ्यूल स्टेशन। LNG इज़ कमिंग एज ए न्यू फ्यूल टू इंडिया, हाई इफिशियंट एंड लो कार्बन इमिशन का जो है बेसिकली फ्यूल है। और आप ट्यून्ड रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच।